हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज हम यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स जो है वहाँ DRDO दे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन हो रहे हैं। तो अभी हम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च पहुँच गए के छोड़ रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। सो दोस्तों, यहाँ पे आज एग्जीबिशन हो रहे DRDO में। कार्य कर रहे हैं। पहले मैं किसानों को सम्मानित करने के लिए गुजारिश करूंगा, इसके लिए आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल एक्टिंग गवर्नर टू फेलिसिटेट और प्रोग्रेसिव फार्मर्स विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट अथा ड्यूरिंग का दंग इनाम सबसे चाहे मता जिम्बा पर हंगे गुंजी का सुरेंद्र चनो ये का मीम वो फॉरेन चे इजा उनसे ल चिल्ला सुरेंद्र चनो मीडिया पर्सन प्लीज मेक वे फॉर आवर द फार्मर्स एंड लब्दम नंदियाल इसे फ्रॉम कम टू का जिम रस्ते से सर लब्दम नंदियाल ने कम्युनिटी गुम्बद गांव के कम्युनिटी को मोबालाइज करके एक बैरन लैंड को उन्होंने हरा भरा किया है। गांव से ये सीड प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ अन्य कई सारे वेजिटेबल्स अपने फार्म से उगाते हैं। मोहम्मद जावेद जी ने सनम गर्म से कहा मोहम्मद जावेद गंभीरपुरा, इन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कई बड़े स्तर पे लगाया है। सामने देखिए, साथ में ये लिखित गांव से है सर सनम डोलमा जी, जो ग्रीन हाउस में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संतन डोलमा आयु सर सोनम डोलमा तारू गांव से हैं सर, ये होलिस्टिक फार्मिंग भेड़ बकरियाँ गाय वेजिटेबल सीरियल सब कुछ उगाते हैं अपने गांव पर। जैसे नाम उसके बाद यंतन डोलमा अनिल अशोक, यंतन डोलमा फ्रॉम तारू गांव फॉर होलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर समीर बी कामत, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और डिफेंस R&D एंड चेयरमैन DRDO, मेजर जनरल सरबजीत बख्शी सेनानगर जन आफिसर कमान में हेडक्वार्टर्स ले सब एरिया, डॉक्टर पवन कोतवाल IAS एडवाइजर टू LG लद्दाख, श्री रविंद्र कुमार IAS सेक्रेटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर OP चौरसिया डायरेक्टर बिहार, ऑफिसर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस IDBP, हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड NGOs, फार्मर मीडिया के लोग, गांव के प्रतिनिधि और
हमारे प्रिय बच्चे जो इतने इतने छोटे बच्चे आज यहाँ पर आके तिरंगा झंडा लेके खड़े थे, मैं उनको शाबाश देता हूँ और अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं उस पीढ़ी का सोल्जर हूँ जबकि ये सब चीज़ें फौज में नहीं थी। मेरा कमीशन 1961 में हुआ था, ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते बियॉन्ड इमेजिन। और अब ये देख के हमको ताज्जुब लगता है कि शायद मैं स्टोन एज में था, अभी हम बड़े एडवांस एज में आ गए।